लेकिन सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की, हरियाणा के चुनाव को लेकर माहौल गर्माने लगा है। कल यानी 5 सितंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, राष्ट्रीय दल हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, सभी अपनी रणनीति बना रहे हैं, कोलेशंस पर बातचीत कर रहे हैं, कुछ कोलेशंस फाइनल भी हो गए हैं। लेकिन बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस भी फुल एक्शन में है। 10 साल से हरियाणा की सत्ता से बाहर रही कांग्रेस इस बार सरकार बनाने की उम्मीद लगाए हुए है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की जुगत से लगातार प्रयास कर रही है और इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति बना रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है और इस बीच कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके नाम पर चर्चा हो रही है और उन्हें पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के तौर पर मौका दिया जा सकता है। कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री की सीट भी, कुछ मंत्रियों की सीट भी, और कुछ हारे हुए जो चेहरे थे उनको भी बीजेपी इस बार मौका फिर से दे सकती है। तो आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जेपी नड्डा मौजूद थे, हरियाणा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा की बिप्लव देब भी जो प्रभारी हैं वो इसमें शामिल। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज ही पार्टी जारी करेगी। वैसे आपको कुछ संभावित नाम बताते हैं जिनको पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। वैसे कुल 50 नामों को लेकर चर्चा है कि पहली लिस्ट जो होगी उसमें 50 नाम होंगे, लेकिन ये संभावित नाम, कुरुक्षेत्र का लाडवा क्षेत्र, लाडवा विधानसभा, जहां से नायब सिंह सैनी को टिकट मिल सकता है, ये मुख्यमंत्री की सीट हो सकती है। अंबाला कैंट से अनिल विज, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा, विज यहां से 6 बार विधायक रहे हैं। सुषमा स्वराज भी अंबाला कैंट से विधायक कभी थी। लोहारू सीट जेपी दलाल मंत्री हैं, फिर से उनको रिपीट किया जा सकता है। तो शाम किरण चौधरी की सीट हुआ करती थी, किरण चौधरी राज्यसभा गई, उनकी बेटी श्रुति चौधरी पूर्व सांसद रही हैं, बीजेपी में है, अब श्रुति चौधरी का नाम चल रहा है। टोहाना से देवेंद्र बबली, बीजेपी से अलग होकर जीते थे पिछली बार निर्दलीय, अब इस बार उनको टिकट दिया जा सकता है। बादली से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ का नाम चल रहा है। नारनौद से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नाम की चर्चा है और गोहाना से अरविंद शर्मा का नाम चल रहा है। तो बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव आसान बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कई सारे चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए। क्या चुनौतियां हैं, पार्टी के सामने चैलेंजेस क्या है, ये समझिए। दरअसल एक बड़ा इशू है सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर कहा जाता है, किसान नाराज हैं, इस तरह का नैरेटिव भी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो भी ये दर्शाते हैं कि बीजेपी को चुनौतियां मिली हैं लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, राह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 2019 में बीजेपी ने लोकसभा में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप कर लिया था। 2014 में भी बीजेपी का आंकड़ा बेहतर था हरियाणा, लेकिन दोनों चुनाव से खराब आंकड़ा मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। 10 सीटें हरियाणा में, उनमें से महज बीजेपी 5 जीत पाई। हरियाणा में बीजेपी के बराबर की सीटें दरअसल कांग्रेस ने हासिल की और कहा जा रहा है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा या दिख सकता है। ऐसे में आपको बताते हैं कि बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एंटी इनकम्बेंसी का, सरकार विरोधी जो लहर होती है। 10 साल से सरकार में है बीजेपी, इसको काउंटर करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला गया बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा किसानों की नाराजगी का इशू, कृषि कानूनों को लेकर एक मुद्दा था और वो जमीन पर क्या है ये भी बड़ा सवाल। जातिगत ध्रुवीकरण जिसको लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। अग्निवीरों का मुद्दा और पहलवानों का मुद्दा, पहलवान ज्यादातर हरियाणा से ही आते हैं, ओलंपिक्स में मेडल्स में भी हरियाणा का एक छत्र राज्य जो रहा है वो दिखा है और ज्यादातर मेडलिस्ट जो हैं वो हरियाणा से ही थे। ऐसे में पहलवानों का मुद्दा भी एक ग्राउंड पर असर देखा जा सकता है। लेकिन इन चुनौतियों को काटने के लिए, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए भी बीजेपी रणनीति बना चुकी है। इसके लिए बीजेपी लगातार प्लान कर रही है, प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। कैसे, ये समझिए। ये तमाम मुद्दे थे जिनका चैलेंज बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, लेकिन रणनीति क्या, ये समझिए। दरअसल जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी 30% से ज्यादा टिकट काट सकती है, यानी पुराने उम्मीदवारों को रिपीट करने की बजाय नए चेहरे बीजेपी उतार सकती है। और चुनाव से 6 महीने पहले मनोहर लाल की जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, एक नया चेहरा दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी दूर की जाए। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के दिग्गज जुटे हुए हैं।
और इसके लिए नायब सिंह सैनी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया। इस फैसले में सभी फसलों पर MSP का ऐलान किया गया और हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जहां सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी, इस बात की घोषणा की गई। यानी बीजेपी हैट्रिक का सपना संजोए तो है लेकिन रणनीति भी बना रही है। उसके लिए खाका भी बीजेपी ने खींचा है कि जो चुनौतियां मिल रही हैं उनसे लड़ना कैसे है। जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए उनको विधानसभा चुनाव में रिपीट न होने दिया जाए, इसके लिए क्या करना है, ये पूरी रणनीति बीजेपी बना चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी की राह बिल्कुल आसान हो गई है, केक वॉक है। कांग्रेस भी जुटी हुई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ये पार्टी अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ रही है और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार 10 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। भूपेन हुड्डा का चेहरा और लिहाजा कांग्रेस फुल एक्शन में है। और इसी बीच कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने मुलाकात भी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों पहलवानों इनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई और तस्वीर सामने आई। अब कयास ये लग रहे हैं, चर्चा ये हो रही है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री करेंगे। हालांकि चर्चा बजरंग पूनिया को लेकर भी है लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि विनेश को टिकट मिल सकता है। पिछले काफी दिनों से ही ये अटकलें थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इस बात की संभावना बढ़ती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं लेकिन सूत्रों की अगर माने जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग चुनावी मैदान में हाथ आजमा सकते हैं और ये लगातार रणनीति भी इसको लेकर दिखती है। कैसे ये समझते हैं, दरअसल विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस से टिकट मिल सकता है, इस बात की संभावना है। विनेश को दादरी और बजरंग पूनिया को बादली विधानसभा से टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। विनेश को टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। हो सकता है कि बजरंग को भी मिले लेकिन विनेश को लेकर संभावना ज्यादा है और उसके पीछे एक रणनीति ये भी हो सकती है, विनेश जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुई उसको लेकर एक अलग तरह की भावना जनता में भी है, एक नाराजगी कह लें आप, दुख कह लें, खास करके जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन थी और उसके बाद जब मेडल नहीं आया भारत के पास सभी लोगों की उम्मीदें टूटी और विनेश की जो तस्वीरें सामने आई थी उससे भी लोगों में उसको लेकर एक सहानुभूति वाला फैक्टर था। तो हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही मैजिक नंबर छूने से जरा सा पीछे रह गई लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। JJP की 10 सीटें थी और बीजेपी JJP के साथ सरकार बना रही थी 2019 में और तब हरियाणा में आम आदमी पार्टी का उतना वजूद नहीं था। लेकिन 5 साल बाद आज की तारीख में तस्वीर बदली है, आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक ठाक है, पहले से बेहतर है और 2 दिन पहले तक हरियाणा चुनाव में अकेले दम ठोकने वाली कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात करने लगी और उसको लेकर कांग्रेस और आप में अहम बैठक भी हुई। कैसे बातचीत की जा रही है ये भी समझिए। दरअसल राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी से और दीपक बावरिया जो कि प्रभारी हैं, उन दोनों की मुलाकात हुई है। सीटों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा है ऐसी खबरें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों ने कमेटी भी बना दी है। अलायंस को लेकर कमेटी में कांग्रेस ने पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को रखा है। ये कमेटी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगी। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। पिछली बार 2019 में आम आदमी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं थी लेकिन 2024 में 5 साल में स्थिति बदली कैसे है। लोकसभा चुनाव में याद करिए हरियाणा की 10 में से 1 सीट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जगह दी थी। कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा गठबंधन में। दरअसल इस बीच में बगल के राज्य पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और हरियाणा वैसे भी अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, इस वजह से आम आदमी पार्टी यहां ज्यादा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल राघव चड्ढा और संदीप पाठक बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है लेकिन सवाल यही है कि क्या बात बन जाएगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी जितनी सीट कांग्रेस से मांग रही है उतनी सीट कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को चाहिए 10 सीटें और कांग्रेस देना चाहती है 7 सीटें। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड है 10 सीटों की,
और कांग्रेस ऑफर कर रही है कि आप 7 सीट ले लीजिए, 7 सीट पर आप उम्मीदवार उतार लीजिए। इसमें आम आदमी पार्टी का तर्क यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपको एक सीट दी थी, कुरुक्षेत्र की सीट, हर सीट पर हरियाणा में एक लोकसभा सीट पर 9 विधानसभा सीटें हैं किसी भी, उसी तरह से कुरुक्षेत्र में भी 9 विधानसभा सीटें थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसी लिहाज से एक सीट हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, हमें कुल 10 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका दिया जाए, और इसी को लेकर फिलहाल बातचीत का पूरा सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कॉन्फिडेंस दिखा रही कांग्रेस अचानक गठबंधन की बात क्यों कर रही है? दरअसल ऐसा करके कांग्रेस एक साथ कई सारे मैसेज देने की कोशिश कर रही है। कैसे, ये समझिए। पहला मैसेज है, भूपेंद्र हुड्डा खुद को कांग्रेस से बड़ा नेता न समझे। पिछली बार स्थितियां अलग थी, भूपेंद्र हुड्डा का कद इतना बड़ा था कि पार्टी उसके नीचे दबे दिख रही थी, इस बार वैसा नहीं है, ये मैसेज भी है। दूसरा संदेश यह है कि कांग्रेस केवल जाट वोट पर निर्भर नहीं रहेगी, बाकी कास्ट का जो वोट है उसको लेकर भी कांग्रेस इक्वेशन बना रही है, खासकर आलाकमान ऐसा चाह रहा है। तीसरा एक और मैसेज है कि आपसे गठबंधन करके वोटों का जो बिखराव है वो रोका जाए और सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाई जाए। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो उसका जो वोट है वो कांग्रेस का ही उसका नुकसान होगा, ऐसा माना जा रहा है, और कांग्रेस साथ लाकर ऐसा करने से बचना चाह रही है, अपने इक्वेशन को बेटर करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस के साथ बीजेपी भी गठबंधन को लेकर अलग अलग चर्चाएं कर रही है। एक तरफ कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर लगातार रणनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी भी अपनी तैयारियां कर रही है, और कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, उनको विधानसभा चुनाव में साथ लेकर आएगी। और कैसे, दरअसल आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। वैसे जयंत चौधरी की पार्टी का पश्चिम यूपी में प्रभाव है, लेकिन हरियाणा की 2 सीटों पर आरएलडी को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा की पार्टी, हरियाणा जनचेतना पार्टी, विनोद शर्मा की पार्टी, इनको भी बीजेपी सीटें देना चाहती है, लेकिन गोपाल कांडा फिलहाल 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं।